हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ पद पर जो वैकेंसी निकली हुई है उस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी की छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों इसमें क्या योग्यता चाहिए, कितनी फीस लगेगी और इस फॉर्म को कैसे आप भर सकते हो, तो सारी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो पास में नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहेगी आने वाले सभी सरकारी वैकेंसी के वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहेगी आने वाली सरकारी वैकेंसी की वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों हम आपको चलिए बताते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ पद पर वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पोस्ट 6310 पोस्ट है। और दोस्तों इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने की तारीख है जो 2 सितंबर 2020 रखी गई है और लास्ट डेट है जो 16 सितंबर 2020 है। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जिन्होंने जीएनएम कर रखी है वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जीएनएम और डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेटों के लिए बहुत ही खुशखबरी का अवसर है। तो दोस्तों आप सीएचओ पद पर वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की वीडियो की जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप अपने इस YouTube चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहेगी आने वाले सभी वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देता हूँ। दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन इसका आया था। उसके बाद में दोस्तों इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सुविधा पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक सूचना जो इसमें दे रखी है 6310 सुविधा पदों पर इसमें भर्ती होने जा रही है। और दोस्तों इसमें बात करें कि किस साइड से भर्ती होगी तो इसकी ऑफिशियल आधिकारिक विभागीय वेबसाइट है www.rajswasthya.nice.in। तो दोस्तों इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajswasthya.nice.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों इसमें जो आपको मैं बता देता हूँ 2 सितंबर 2020 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसमें ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस पर वैकेंसी निकली हुई है इसमें नॉन टीएसपी के पदों की संख्या 5272 है और टीएसपी वाले पदों की संख्या 1041 है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 6310 पोस्ट है और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट, जीएनएम वाले, आयुर्वेदिक पैरा और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो जनरल नर्सिंग जीएनएम कर रखे हैं वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 45 साल इसमें एज चाहिए, 1/1/2021 के अनुसार एज काउंट की जाएगी। और सैलरी की बात करें तो इसमें 25,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। और दोस्तों बात करें एज रिलेक्शन की तो एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेटों के लिए 5 साल का एज रिलेक्शन है और साथ में फीमेल कैंडिडेटों का, अनरिजर्व कैंडिडेटों का 5 साल का एज रिलेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। और बाद में विडो और डिडो और ये है उनको 60 साल का एज रिलेक्शन है। और साथ में आपको बता दें दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेटों की 400 रुपये फीस है, ओबीसी एमबीसी क्रिमिनल एयर वालों की 400 रुपये फीस रखी गई है, नॉन क्रिमिनल एयर वालों की 300 रुपये फीस रखी गई है, एससी एसटी कैंडिडेटों की 300 रुपये फीस रखी गई है और जो शहरी क्षेत्र से आते हैं उनकी भी 300 रुपये फीस रखी गई है। स्पेशल कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप और विडो फीमेल रिजर्व है उनकी 200 रुपये इसमें फीस रखी गई है। अदर टर्म्स कंडीशन तो दोस्तों इसमें कुछ वैसे कोई है नहीं है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई है। तो इसमें टीएसपी पोस्ट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसमें टोटल पोस्ट 1041 है,
टीएसपी वालों के लिए, तो जनरल के लिए 521 पोस्ट है, और जनरल फीमेल के लिए 156 पोस्ट है, और विडो के लिए 42 है, और रिजर्व के लिए 11 है, जनरल के लिए 52 पोस्ट है, जनरल फीमेल के लिए 16 है 80 में, और जो विडो के लिए 4 है, रिजर्व के लिए विधवा के लिए तलाक जो ले रखी है उनके लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए 468 पोस्ट है, उसी प्रकार एसटी में दे रखी है दोस्तों। नॉन टीएसपी पोस्ट के लिए भी इसमें दे रखा है, तो आप इसमें 5269 पोस्ट है। जैसे जनरल के लिए इसमें जनरल फीमेल का दे रखा है, सबसे बात करें सबसे पहले अपन बात करें जनरल कैंडिडेटों के लिए, तो 1889 पोस्ट है, और जनरल फीमेल की 567 पोस्ट है, वीडो की बात करें तो 152 है, और 38 पोस्ट है रिजर्व की, और जनरल की है 839, जनरल फीमेल की है 252 80 में, और विडो की है 67, उसी प्रकार सारी ये वैकेंसी पोस्ट इसमें दे रखी है। तो दोस्तों इच्छुक उम्मीदवार इसमें फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पास में नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाले सभी सरकारी वैकेंसी के वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।